हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं संदीप नेहरा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ibpsguide में। तो आज आपका डे नंबर नाइन में कुछ डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के जनरल साइंस, जिसमें आपके इंक्लूड होगी, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी आपके होंगे। तो वीडियो का एंड तक देखते रहना, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अपकमिंग डेज में आपको टॉपिक वाइज जनरल साइंस में आपको कवर कराने वाला हूँ। जैसे जनरल साइंस में बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, लाइफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें उसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में लगे से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करें। हु इज रिगार्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का जनक किससे माना जाता था? इसको आपको अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये प्रीवियस एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया था। तो जो आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का जनक था, उसको कहते हैं हम एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, एडम स्मिथ आपका राइट आंसर रहेगा। अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? यहाँ पे एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो ये आपके 18वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, अर्थशास्त्र जनक के रूप में इनको जाना जाता था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, इसको भी याद रख लेना कि इनकी ये अपनी पहली पुस्तक थी, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। इसके बाद बहुत ज्यादा पुस्तक इनकी आई थी, बट मेनली जो आपकी थी, याद रख लेना, पहली पुस्तक के नाम किसको, इसी के नाम से जाना जाता है, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात आती है तो एडम स्मिथ, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी पहली बुक का जो नाम था वो था द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। ठीक है, ये दो पॉइंट यहां से आपको नोट डाउन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का नाम क्या है कि विच वाज द फर्स्ट बैंक टू बी एस्टैब्लिश इन इंडिया, यानी भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो आप सभी को पता होगा उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो आपका पहला बैंक था जो भारत में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 में। ठीक है, कब हुई थी? 1770 में हुई थी इसकी स्थापना, यूरोपियन प्रबंधन के तहत हुई थी, और ये कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो पहला बैंक की अगर बात करें कि आपसे पूछे कि इंडिया का पहला बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कब स्थापित हुआ था? 1770 में, जो आपके यूरोपीय प्रबंध थे उसके तहत कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, यानी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका हेडक्वार्टर एचक्यू कहाँ है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। तो देखिए, अगर मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में था। ठीक है, यानी मुंबई में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर इसकी बात करें, राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो इस तरह के भी अगर क्वेश्चन इससे आपसे पूछ ले कि कब हुआ था और इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी रिजर्व बैंक की स्थापना। और यहाँ पे जो आपके अगर पूछे कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया गया कि व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड एज गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे आपको पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक को कब राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया आपको कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर रहेगा कि 1 जनवरी 1949 को इसका आपका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका। अगर पूछे कि आपको राष्ट्रीयकृत की जगह स्थापना की बात कर ले, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1 जनवरी 1949 का इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, शक्तिकांता दास इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली आप सभी को पता था कि शक्तिकांता दास हैं वो आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। वो कौन से नंबर के गवर्नर थे, ये भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो आपके 25वें नंबर के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि इससे पहले कौन था, यानी 24th नंबर पे कौन सा था, और उसका यानी कार्यकाल कितने टाइम का था, यानी कितने टाइम तक उन्होंने काम किया था, उनका नाम बता दो, और कितने टाइम तक उन्होंने काम किया था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6th, एट प्रेजेंट इंडिया रैंक द, यहाँ पे ब्लैंक बनना है, द पोजीशन इन द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी वर्तमान में भारत दुनिया में सबसे बड़े इस्पात उत्पादक में कौन से नंबर पे है। तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया है तो स्टील प्रोड्यूसिंग में सबसे पहले नंबर पे, यानी फर्स्ट पोजीशन है, पहला यहाँ पे आप स्थान कह सकते हो, फर्स्ट पोजीशन है आप कह सकते हो। ठीक है, वर्तमान में भारत दुनिया के सबसे बड़े इस्पात उत्पादक में प्रथम स्थान पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द
नायक कमेटी इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो नायक समिति है वो किससे जुड़ी है। तो नायक समिति के बारे में आपने काफी चर्चा भी है रही है पीछे, इनके बारे में आपने सुना भी होगा काफी। तो ये आपके जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर है ना छोटे, यानी स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेट करती है, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्री यानी छोटे उद्योगों को आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बारे में काफी न्यूज भी रही थी पीछे, ये कमेटी है जिसका नाम रखा गया था नायक कमेटी। जितने भी स्मॉल इंडस्ट्री है उनके बारे में कम्प्लीटली एक कमेटी बना दी गई थी, एक समिति बना दी गई थी, उसी के बेसिस पे कोई भी डिसीजन होता था इनमें वही लेते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकालिक ऋण प्रदान किए गए। देखिए इसके अंदर अगर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो ये आपके अलग अलग दे रखे, जीआईसी, एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई। तो आईडीबीआई जो बैंक था वो, यानी आईडीबीआई जो बैंक है वो आपके जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर कह सकते हो, उसमें लोन देता है लंबे टाइम के लिए। आपको आईडीबीआई की फुल फॉर्म से ही पता लग जाएगा कि ये क्यों देता है। तो आईडीबीआई की जो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आईडीबीआई की फुल फॉर्म है। तो इंडस्ट्रियल वर्ड से ही पता लग रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके डेवलपमेंट यानी उसको एक तरह से बढ़ाने के लिए ये काम करता है। तो आईडीबीआई वो बैंक है जो आपको एक तरह से कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लंबे टाइम तक यानी लंबे समय तक यहाँ पे लोन देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में क्या कह रहा है, पब्लिक सेक्टर मींस यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका मतलब क्या है। उसके अंदर देखिए जो एक प्राइवेट ओनरशिप हो जाती है, यानी एक प्राइवेट कह सकते हो निजी स्वामित्व हो जाता है जिसके अंदर ट्रेड और कॉमर्स आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर रहेगा कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी की व्यापार और वाणिज्य का निजी स्वामित्व, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर रहेगा। पब्लिक सेक्टर के बारे में पूछे यानी कि खुद की प्राइवेट जब ओनरशिप हो यानी निजी स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ, हु वाज स्वोन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ठीक है, यानी गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रमोद सावंत है, उन्होंने आपके नए मुख्यमंत्री के रूप में गोवा के यहाँ पे आपकी क्या ली है, शपथ ली है, स्वोन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। गोवा विधानसभा में स्पीकर रहे थे ये आपके, जब मनोहर पारिकर आपके क्या थे चीफ मिनिस्टर थे पहले, उनका भी रिसेंटली निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो नए मुख्यमंत्री की जगह नए मुख्यमंत्री के रूप में आपके प्रमोद सावंत ने यहाँ पे शपथ लिया यानी स्वोन लिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट आंसर रहेगा। इससे पहले आपको पता होगा ना मनोहर पारिकर आपके गोवा के मुख्यमंत्री थे पहले, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद ये प्रमोद सावंत को यहाँ पे लेके आया है। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझना, आप थोड़े से साइंस के कुछ क्वेश्चंस है जो आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, ठीक है, एक यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है जो एक तीनों से बाकी तीनों से मैच नहीं करता, तो वही आपको बताना है कि कौन सा है। यहाँ पे आपका जो स्ट्रेटेड टिश्यू है यानी धारीदार ऊतक है वो यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। देखिए इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्कोमस टिश्यू, सिलेटेड टिश्यू और क्यूबोइडल टिश्यू, यानी बाकी का जो तीनों ऑप्शन है ना, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू है। और जो आपका स्ट्रेटेड टिश्यू है ना धारीदार ऊतक है वो आपका मस्कुलर टिश्यू है, यानी कि जो क्यूबोइडल स्टेटेड या क्यूबोइडल जो आपका सिलिएटेड है और सिक्वेमस है, ये तीनों आपके किसके पार्ट हैं, एपिथेलियल के, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये किसके ऑप्शन है, एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है ये। और बाकी जो आपका स्टेटेड टिश्यू है ऑप्शन नंबर सी धारीदार ऊतक है वो आपका मस्कुलर है, ठीक है, कौन सा टिश्यू है वो आपका मस्कुलर टिश्यू है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए आपका डिफरेंस है क्योंकि ये तो हो गया मस्कुलर, बाकी तीन आपके एपिथेलियल टिश्यू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th, ए फाइबरस प्रोटीन कॉल्ड केराटिन व्हिच कॉज द ग्रोथ ऑफ नेल्स एंड हेयर्स ऑन स्किन इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो आपका देखिए कंप्लीटली फाइबरस प्रोटीन होता है जिसको केराटिन बोलते हैं, ठीक है, केराटिन बोलते हैं, जो आपके नेल्स का यानी आपके जो नाखून होते हैं, हेयर्स होते हैं जो आपके स्किन के ऊपर, यानी जो नाखून या बाल कहते हैं ना जो आपके स्किन के ऊपर होते हैं, उनका डेवलपमेंट कराता है, उनका ग्रोथ कराता है। तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसका मतलब एक टिश्यू का नाम बताना है, यानी कौन सा है इसके अंदर। तो ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, अभी भी जस्ट इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे जो आपका स्क्वेमस है, स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि आपकी स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं और नेल्स होते हैं उनका ग्रोथ कौन करता है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, ये फाइबरस प्रोटीन होता है जिसको केराटिन कहते हैं।
जो कहां प्रेजेंट होता है आपका, स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा, हिंदी में सल्की उपकला बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिक मसल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की मांसपेशियों का गुण नहीं है। तो आपको वन बाय वन ऑप्शंस देखना है और इनमें से बताना कि कौन सा इसका जो प्रॉपर्टी नहीं है, यानी इसका फंक्शन कह सकते हो इसका काम नहीं करता है। तो वन बाय वन देखते हैं, कार्डिक मसल शो करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्टेटेड मसल। तो पहला सही है कि जो आपकी हृदय की मांसपेशियां होती है वो चिकनी और धारीदार दोनों मांसपेशियों की विशेषता को दिखाती हैं। तो ऑप्शन ए तो आपका सही है, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी है। बी को चेक करते हैं, द न्यूक्लियस ऑफ कार्डिक मसल इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरल ऑफ द सेल, यानी कि जो हृदय की मांसपेशियां नाभिक कोशिकाओं की परिधि में मौजूद होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस की जो मसल्स होती है ना कार्डिक मसल, वो सेंटर में प्रेजेंट होती है, ना कि पेरिफेरी ऑफ सेल, ठीक है। पेरिफेरल ऑफ सेल की जगह आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका सेंटर, ठीक है, सेंटर के अंदर अंडर प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है तो आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो पॉइंट है, कार्डिक मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच फाइबर, बिल्कुल ब्रांच फाइबर यहाँ से आपके बनी होती है, ठीक है, हृदय की मांसपेशियां शाखित तंतुओं से बनी होती है, ये सही है, ब्रांच फाइबर से आपकी बनी होती है। कॉन्ट्रैक्शन इज इनहेरिटेंट, यानी जो उनका संकुचन है वो अंत निर्हित होता है। तो यहाँ पे बाकी सारे पॉइंट बिल्कुल सही है, सिर्फ ये याद रख रहा कि जो न्यूक्लियस है कार्डिक मसल्स का वो आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल होता है, सेल में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्या कर रहा है, द ब्रॉड शीट ऑफ डेंस फाइबरस कोलेज एंड इट्स कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कवर इन वेस्ट एंड फॉर्म डिटरमिनेशन एंड अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल्स इज नोन एज, उनको कहते हैं लिगामेंट, ठीक है, यानी जो घने रेशेदार कोलेजनेस के संयोजी ऊतक जो कि विभिन्न मांसपेशियों के निर्धारण और संलग्न को कवर निवेश और बनाते हैं को क्या कहते हैं। तो देखिए आप उनको लिगामेंट्स कहते हैं। आपकी बोन्स में भी आपको देखने को मिलेगा, क्या आप देख रहे हो ना, हाथ की जो बोन्स होती हैं, आपकी हाथ की जो हड्डियां होती है आप देख रहे होगे कि आपका, मान लीजिए यहाँ पे जो आपका हाथ है इस तरह से कुछ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपका देखिए यहाँ से एक बैंड होता है, दूसरा बैंड आपका यहाँ से मिलेगा, फिर आपके अंदर ये शोल्डर के जो शोल्डर होता है ना आपका कंधा उससे अटैच होता है। तो आप देख रहे होगे इसको आप मोड़ सकते हो, यहाँ से भी आप इसको बैंड कर सकते हो, ये सारे आपके लिगामेंट्स के कारण होता है, ठीक है, यानी स्नायु बंधन के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए सॉरी आपका लिगामेंट्स नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एपोन्यू योरिस। तो यहाँ पे आपका कुछ और पूछा था मेरे को लगा उसको आपको बताना था कि जो ब्रॉड शीट होती है डेंस फाइबर्स कोलेज एनएस कनेक्टिव टिश्यू जो आपकी कवर करती है इन्वेस्ट फॉर्म डिटरमिनेशन एंड अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल, उसके बारे में बताना था। तो लिगामेंट्स तो आपके बोन्स को करता है ना, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एपोन्यूरिस, ठीक है, एपोन्यूरिस है आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो वो तो जो बोन्स वाला होता है ना वो लिगामेंट होता है, वो बोन्स को अटैच करता है, ठीक है, जो बोन को अटैच करने का काम करता है। लेकिन आपका कुछ यहाँ पे कुछ और ही पूछा था तो मेरे को लगा आपका बोन का अटैचमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द इलास्टिक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट बोन्स इज नोन एज। अब आ गया आपका जो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 था यहाँ पे, जो आपके बोन्स को कनेक्ट कराता है यानी लाचेदार संरचना जो हड्डियों को जोड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है। अब वो आ गया आपका लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होता है, जो स्नायु बंधन कहते हैं, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, मान लीजिए ये आपका हाथ है, उंगलियां यहाँ से, ठीक है, ये आपका यहाँ से देख रहे होगी कि अटैचमेंट मिलती है। इसके बाद आपका शोल्डर होता है, यानी शोल्डर यानी आपका कंधा होता है, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में कुछ अटैचमेंट्स होती है, यानी उनको आप अप डाउन कर सकते हो, हैंड को नीचे की तरफ कर सकते हो, वो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी जो अलग अलग जगह आप देख रहे हो हड्डियों को जोड़ने का जो काम करता है ना वो लिगामेंट्स का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वसा ऊतक का कार्य नहीं है। तो वन बाय वन देखेंगे कि इनमें से कौन सा उसका काम नहीं है। इट सर्व्स एज ए फैट रिसीवर, बिल्कुल सही बात है कि ये वसा भंडार के रूप में इसको कार्य प्रदान करता है, कार्य करता है, ठीक है, यानी फैट रिसीवर को सर्व करता है एज ए फैट रिसीवर। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड सेफ टू द लिम्स एंड द बॉडी, बिल्कुल अगर एडिपोज टिश्यू है तो आपके जितने भी अंग हैं और शरीर है उसका सेप यानी उसके जो बॉडी का सेप है वो यही आपका डिसाइड करता है, यही आपका प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए स्टोरेज साइट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये बिल्कुल गलत है, ये आपका फैट रिसीवर जरूर है लेकिन जो स्टोरेज साइट नहीं है कैल्शियम और फॉस्फेट की, जो आपके यूज होते हैं बोन्स, क्योंकि बोन्स है वो बोन्स और टीथ होते हैं आपकी बॉडी के अंदर वो कैल्शियम और फॉस्फेट से बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे एडिपोज टिश्यू है वो इनको स्टोर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो एडिपोज टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो ये सही नहीं है, ठीक है। इट कीप्स विसरल ऑर्गन इन पोजिशन, बिल्कुल सही है,
कि जो आंत के अंग होते हैं ना उनको एक स्थिति में रखता है, एक पोजीशन में रखता है, तो ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं करता। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच हॉर्मोन इज इन्वॉल्व इन कॉजिंग ग्रेव्स डिजीज, यानी कि जो आपके ग्रेव्स रोग है उसकी शुरुआत में कौन सा हार्मोन शामिल है, तो ये थायरॉइड है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अब मेरे को बताओ कि जो थायरॉइड हार्मोन है ये कहाँ प्रेजेंट है, एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ है ये भी बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग कितना सीरियस हो एग्जाम के बारे में, या आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है। इसके बाद मैं आपको लाइव प्रोसेस स्टार्ट कराऊंगा, लाइव प्रोसेस में आपको एक एक चीज है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है जो बाह्य कारकों के कारण होता है, तो वो आपका रोग है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी कहते हैं। ये आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि जो बाह्य कारक होते हैं ना बाहर के, तो उनसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि आपकी जो बॉडी है ना अलग अलग, यहाँ पे आपको देख रहेगा कि हम हेल्दी किस पर्सन को कहते हैं, जिसके हर एक बॉडी पार्ट है वो प्रॉपरली वर्क करते हो, ठीक है, नॉर्मली फंक्शन करते हो, लेकिन यहाँ पे जो एक्सटेंसिव फैक्टर है जो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वासिकोर डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी यहाँ पे आपको पता होगा कि आपकी बॉडी को विटामिन प्रोटीन्स अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको पता है यहाँ पे अलग अलग चीजें होती है, आयोडीन किसको जरूरत पड़ता है, थायरोक्सिन हार्मोन है जो आपकी बॉडी को यहाँ पे कम्प्लीटली किसकी जरूरत पड़ती है, आयोडीन की, ताकि वो बॉडी में अलग अलग चीजें उसको मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे जो एक डिजीज है जिसको नाम कहते हैं क्वासिकोर रोग, यानी जिसको क्वासिकोर डिजीज कहते हैं ना, वो किस चीज की कमी के कारण होती है, तो ये होती है आपकी प्रोटीन की कमी के कारण। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये आपकी बीमारी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम अगर आप थोड़ा सा याद रखो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी कमी के कारण होता है, अगर आपसे पूछ रहे तो किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी का। डिजीज का नाम क्या है, क्वासिकोर रोग। ठीक है, इसका एक और नाम है, एक और नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका दूसरा जो नाम है ओडेमेटस कुपोषण। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, हिंदी में आपको याद हो जाएगा, ओडेमेटस कुपोषण, इसको इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना, जितनी भी आपकी डिजीज होती है ना प्रोटीन विटामिन से, इनको एक बार याद कर लो, एग्जाम में पूछे जाएंगे, अदरवाइज मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, तो वो आपके लिए होमवर्क है, इसके बारे में मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसको देख लो आपको क्या कहा है, जो बैक्टीरिया कोल्ड स्लेमेलो टाइफी, ठीक है, स्लेमेलो जो टाइफी है वो बैक्टीरिया है जो प्रेजेंट होता है आपका इंटेस्टाइन में, जो कौन सी बीमारी यहाँ पे आपकी कजर करता है, यानी कौन सी बीमारी करता है यहाँ पे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे इसको लाइक जरूर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग डेज में मैं यहाँ पे आपको जो बेसिक्स हैं साइंस के वो बेसिक टॉपिक वाइज वीडियोस कवर कराने वाला हूँ। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, कोई भी डाउट हो पूछिए, और वीडियो को जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप के इंस्टाग्राम के आपके पास अकाउंट है उसमें इस वीडियो को भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।